हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में करने वाले हैं एडजेक्टिव्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, मतलब वो शब्द होता है जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब का मतलब यहाँ पे क्या है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है और अच्छे से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, जेन इज़ अ क्लेवर गर्ल। ठीक है, क्लेवर इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट डिस्क्राइब्स जेन। अब जेन तो एक लड़की है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में क्या स्पेशल बात है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो कैसी गर्ल है, क्लेवर, चालाक लड़की है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे एडजेक्टिव, जो हमारे नाउन को या फिर हमारे प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में और बताते हैं कि वो कैसा है, ठीक है, या फिर वो कितना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बताते हैं कि वो कैसा है। एडजेक्टिव हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन के, यानी किसी भी चीज़ के बारे में ये बताते हैं कि वो कैसा है, या फिर वो नंबर में कितने हैं, ठीक है, किस रंग का है, किस शेप का है, किस साइज़ का है, दिखने में कैसा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ मैं आपको, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से बताते हैं कि वो चीज़ कैसी है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एप्पल, आप सभी को पता है, पिक्चर देख के पता चल रहा है कि ये एक एप्पल है। तो एप्पल में क्या क्या एडजेक्टिव है, क्या क्या विशेषता है एप्पल की। ठीक है, हम अगर एप्पल को डिस्क्राइब करेंगे तो एप्पल रेड होता है, एप्पल हेल्दी होता है, एप्पल टेस्टी होता है, एप्पल स्मॉल भी हो सकता है, एप्पल बिग भी हो सकता है, एप्पल राइप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वो वर्ड है जो एप्पल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक चीज़ है, एक फ्रूट है एप्पल, ये सारी चीज़ें उसे डिस्क्राइब कर रही हैं, उसके बारे में बता रही है कि वो एप्पल कैसा है। अब अगर मैं सेंटेंस में यूज़ करती हूँ, दिस इज़ अ स्मॉल एप्पल, तो स्मॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, कि एप्पल तो है पर एप्पल कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, अब देखिए और कुछ, जैसे कि स्मार्ट बॉय, बॉय तो नाउन है, नॉर्मल सी बात है बॉय, लेकिन बॉय कैसा है, बॉय स्मार्ट है। ऐसे ही पैरट तो है, लेकिन पैरट कैसा है, पैरट ग्रीन है। ऐसे ही गर्ल तो है, पर गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो यही होते हैं हमारे एडजेक्टिव, जो हमें ये बताते हैं किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्या विशेषता है, उसमें क्या स्पेशल बात है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वो स्पेशल बात कुछ भी हो सकती है, उसकी क्वालिटी भी हो सकती है कि वो टॉल है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, अगली है, ग्रीन है, कलर भी हो सकता है कि वो ग्रीन है, वो रेड है। ठीक है, उसका टेस्ट भी हो सकता है कि वो सॉल्टी है, वो टेस्टी है, वो डिलीशियस है। उसका नंबर भी हो सकता है कि ये चीज़ वन है, टू है, या थ्री है। ठीक है, तो यही हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जो हमें ये नाउन और या फिर प्रोनाउन उनकी विशेषता बताते हैं कि उनमें क्या स्पेशल है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।